हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की लालटेन पदयात्रा थोड़ी ही देर में शुरू होगी। एमबी कॉलेज, एमबी पीजी कॉलेज में जुटे हजारों कार्यकर्ता थोड़ी देर में रामलीला मैदान के लिए पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। हरीश रावत, इंदिरा हृदेश, प्रीतम सिंह मौजूद हैं इस यात्रा में। अनुग्रह नारायण सिंह, किशोर उपाध्याय सहित कई नेता विधायक मौजूद। प्रदेश सरकार के खिलाफ, उसके कामों के खिलाफ कांग्रेस की लालटेन यात्रा की शुरुआत आज हो रही है। और जो खबर आ रही है, खबर ये कि इस लालटेन यात्रा में कांग्रेस के दिग्गज सभी मौजूद रहने वाले हैं। थोड़ी ही देर में शुरू होगी ये पदयात्रा, लालटेन यात्रा। एमबीपीजी कॉलेज में जुटे हजारों कार्यकर्ता थोड़ी देर में रामलीला मैदान के लिए शुरू करेंगे यात्रा। लेकिन खबर देखिए, हरीश रावत, इंदिरा हृदेश, प्रीतम सिंह मौजूद हैं इस पदयात्रा में। अनुग्रह नारायण सिंह, किशोर उपाध्याय समेत कई नेता और विधायक। दिनेश पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। दिनेश, जानना चाहेंगे एक लालटेन यात्रा प्रदेश सरकार के खिलाफ, उसके कामों के खिलाफ, लेकिन दूसरी तस्वीर जो आपने भेजी है इस यात्रा में, इस मंच पर हरीश रावत दिखेंगे, किशोर उपाध्याय दिखेंगे, इंदिरा हृदेश भी दिखेंगी, यानी कि सभी दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं। जी बिल्कुल पंकज, ये पहली बार ऐसा है कि कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है और पदयात्रा अब शुरू हो चुकी है। एमबीपी कॉलेज से रामलीला मैदान के लिए हजारों की तादाद में न सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ता है बल्कि आम लोगों ने भी इस रैली में भाग लिया है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के इन 3 साल के कार्यकाल को देखते हुए जो कांग्रेस ने यह लालटेन पदयात्रा निकाली थी, इसको जन समर्थन भी मिल रहा है। और हरीश रावत, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, अनुग्रह। चलिए, संपर्क टूटा है, लेकिन कांग्रेस की एकजुटता को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं।